स्टूडेंट, आज मैं बीए क्लास का फर्स्ट सेकंड पेपर से फर्स्ट यूनिट से हिंदी के रस पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम रस की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद रस के भेद को जानेंगे। रस की परिभाषा देखिए, किसी काव्य को पढ़ने व सुनने में जो आनंद आता है उसे रस कहा जाता है। यानी कि जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं और उसको पढ़कर जब आनंद प्राप्त करते हैं तो उसी को हम रस कहते हैं। अब देखिए रस के भेद, रस के हमने चार अंग देखे हैं जो कि इस प्रकार हैं। नंबर एक विभाव, नंबर दो अनुभाव, नंबर तीन संचारी भाव, नंबर चार स्थाई भाव। अब इन सब के बारे में हम सबसे पहले है रस के प्रकार। रस सामान्यतः 11 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर एक श्रृंगार रस, दो हास्य रस, तीन करुणा रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, नंबर 10 वात्सल्य रस, नंबर 11 भक्ति रस। पहले 9 रस माने गए थे, उसके बाद फिर 2 रस और जोड़े गए हैं, तब मिलाकर ये 11 हो गए हैं। इसमें सबसे पहले हम श्रृंगार रस को समझेंगे। जिस काव्य में किसी नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधों का वर्णन किया जाता है वहां श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को रसपति या रसराज भी कहा गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। जितने भी रस लिए गए हैं उन सबके स्थायी भाव भी बने हैं, इसलिए सबके अलग अलग स्थायी भाव बताए गए हैं। नंबर 2 है फिर हास्य रस। किसी काव्य को पढ़कर या किसी की वेशभूषा वाणी आदि को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। फिर नंबर 3 पर आते हैं हम, इसमें है रौद्र रस। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। रौद्र का ही दूसरा ही रूप क्रोध को माना गया है। नंबर फिर है करुणा रस। इस रस में किसी अपने के वियोग एवं दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। करुण का ही दूसरा नाम दुख माना गया है। इसका स्थायी भाव शोक को बताया गया है। फिर है वीर रस। जब किसी रचना या वाक्य आदि को पढ़ने से वीरता जैसे भाव की उत्पत्ति होती है उसे वीर रस कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप कोई कविता वगैरह पढ़ते हैं उसको पढ़ने से आप में जोश उत्पन्न होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव उत्साह है। उदाहरण के लिए देखते हैं, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी जोश आ गया है, यानी कि हमारे अंदर भी वीरता का भाव पैदा हो गया है। फिर है अद्भुत रस। जब किसी विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर किसी व्यक्ति के मन में जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहा जाता है। इस रस का स्थायी भाव आश्चर्य है। जब किसी बात को सुनकर हम चौंक जाते हैं और हमें अचानक से सुनकर लगता है कि अरे ऐसा भी होता है तो उसे आश्चर्य होता है, तो अद्भुत रस होता है। फिर आते हैं विभत्स रस पर। जब किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर या उसके बारे में विचार करने पर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानी का भाव ही विभत्स रस का कहलाता है। इस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। फिर है भयानक रस। जब किसी भयानक घटना या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखकर या उससे संबंधित वर्णन सुनने पर मन में जो व्याकुलता या भय का भाव पैदा होता है उसे भयानक रस कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव भय है। यानी कि जैसे तात्पर्य के लिए, जैसे आपने कोई कहानी सुनी या कोई बात सुनी तो उसको सुनकर आपको डर लगा तो वह भाव पैदा हुआ भय का, तो वहां पर भयानक रस होता है और इसका भाव जो है भय है, यानी कि डर। शांत रस। जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने पर मन को जो शांति मिलती है वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। इस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। वात्सल्य रस पर, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव वात्सल्य रस कहलाता है। इस रस का स्थायी भाव वात्सल्यता अनुराग है। वात्सल्य रस के सबसे बड़े कवि सूरदास जी को
माना गया है जिन्होंने कृष्ण जी की भक्ति की है। भक्ति रस, जिस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है उसे भक्ति रस कहा जाता है। इसका स्थाई भाव देवव्रति है। इस प्रकार से हमने आज हमने रस के परिभाषा और रस के भेदों को समझा। इस प्रकार से आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।